हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो एवरेस्ट बेस कैंप प्लान कर रहे हैं अपने आने वाले आगे के कुछ महीनों में। अब काफी ज्यादा फेसबुक ग्रुप्स पे मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया और मैक्सिमम लोगों का यही कहना था कि एवरेस्ट बेस कैंप जो है वो 30,000 से 35,000 में बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, और मैं जो हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ। साथ ही साथ काफी लोगों का ये कहना था कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि एवरेस्ट बेस कैंप के लिए 1,00,000 रुपए लगते हैं। अगर आप ट्रैवल वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि एवरेस्ट बेस कैंप की कॉस्ट जो है वो 70,000, कुछ जगह 80,000, कुछ जगह 85,000, कुछ जगह 90,000 तक दी गई है। तो इन सारे सवालों का जो जवाब है आज मैं आपको दूंगा। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, क्या एवरेस्ट बेस कैंप के लिए 1,00,000 रुपए लगेंगे? और मेरा जवाब है हाँ लगेंगे। एवरेस्ट बेस कैंप के लिए 1,00,000 रुपए लगेंगे, और वो इसलिए लगेंगे क्योंकि आप जाना चाहते हो पालकी में, आप जाना चाहते हो कि आपका एक एक सामान जो है वो पोर्टर उठाए, आप चाहते हो कि आप जहां जहां जाए रास्ते में आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा हो, आप चाहते हो कि नामचे में सबसे महंगी जगह पे आप पार्टी करें, खाएं पिए और जितना खर्चा होता है उसको मुड़के ना देखें, आप चाहते हो कि जितनी भी रास्ते में सबसे महंगी खाने की चीजें हैं आप खाते हुए चलें, आप चाहते हो कि जहां जहां पे जो जो है वो कितना भी पैसा जाए आप देने को तैयार हो, अगर आप ये सब करने को रेडी है तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपका 1,00,000 रुपए के ऊपर खर्चा बनेगा ही बनेगा। अगर आप शिमला जाते हैं तो शिमला जाने के असंख्य वीडियो है जहां पे बताया जाता है कि शिमला आराम से 10,000 से 15,000 रुपए में घूमा जा सकता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप होटल कॉम्बरमेयर या फिर होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में रुकते हैं तो आपका खर्चा एक रात का ही शायद से 10,000 से 15,000 रुपए का होगा। तो ये सब कुछ उस चीज पे डिपेंड करता है कि आप तो किसी भी जगह पे जा सकते हो इंडिया में जहां पे आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। क्या आप लग्जरी करने जा रहे हैं ईबीसी? मैं तो कहूंगा नहीं। ईबीसी एक ऐसा सफर है जहां पे आप प्रकृति से मिलने जा रहे हैं, जहां पे आप बिल्कुल उसके साथ एक सामंजस्य बिठाने जा रहे हैं, जहां पे आप अपनी मन की शांति के लिए जा रहे हैं, जहां पे आप देखने जा रहे हैं कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। और ऐसी जगह जाके अगर आप लग्जरी के बारे में सोचेंगे तो दोस्तों ईबीसी ट्रैक पहली बार तो फिर आपके लिए नहीं है। दूसरा, अब कई ट्रैकिंग एजेंसी जो है वो 80,000 से 85,000 इस ट्रैक के लिए ले रही है, कुछ 60 ले रही है, कुछ 70 ले रही है, कुछ 65 ले रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज से 5 साल पहले जब मैंने ईबीसी के बारे में सिर्फ सर्च किया था तो जितनी भी वेबसाइट्स थी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कई सारी है नाम से, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबके सब ये आपको बना रही है वेबसाइट्स आपका, ठीक है। तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं आपकी कितने कॉस्ट पड़ती है? 65,000 कॉस्ट देखी थी मैंने आज से 5 साल पहले। तो जाहिर सी बात है, क्या ये 65,000 का कॉस्ट एवरेस्ट बेस कैंप के लिए लगता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ट्रैक अभी रिसेंटली किया है अक्टूबर 2022 में, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका ट्रैक जो है वो 65-70,000 बिल्कुल नहीं लगता है। और ये जितनी भी ट्रैकिंग कंपनीज है, क्योंकि मैं खासकर एक चीज जानता हूँ, मैंने कई ऐसे ट्रैक किए हैं हमारे देश में ही जहाँ पे ट्रैकिंग कंपनीज आपको 7,000 से 8,000 रुपए में पैकेज बेच रही हैं, और मैंने एक दिन के अंदर उन ट्रैक्स को खत्म किया है, और उनकी वीडियोस भी मैं डालूंगा बहुत जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो आपका ट्रैक है, आप यूट्यूब पे ही कई वीडियो सर्च कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कई इंडियंस जा चुके हैं ऑलरेडी जिनका खर्चा, एक ने तो डाल रखा है 14,000, एक ने डाल रखा है 15,000, एक ने डाल रखा है 25,000। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप शान शौकत से जाइए, 30,000 में सब कुछ होके आएगा, पर नहीं, लोगों का कहना है कि इसके लिए 60,000 लगेंगे, इसके लिए 70,000 लगेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आइए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। और ये सारा का सारा मोनोलॉग इसलिए था, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये ट्रैवल कंपनियां कितनी ज्यादा आपको बेवकूफ बना रही हैं, बहुत ज्यादा बेवकूफ बना रही हैं। और ये एक रेवोल्यूशन आएगा ट्रेवल सेक्टर में जहां पे हम जैसे लोग जाएंगे, ऐसी जगह पे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को पूरा का पूरा उस जगह का मुआयना देंगे और आपको बताएंगे कि जितने में ये ट्रैवल कंपनीज आपको पैकेज बेच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैवल कंपनीज के कुछ पैकेज अच्छे होते हैं पर कुछ में वो अपना मुनाफा निकालना चाहते हैं, और ये वही एवरेस्ट बेस कैंप वैसा ही एक ट्रैक है जहाँ पे वो आपसे 2 से 2.5 गुना ज्यादा पैसा लेते हैं आपसे और पूरा का पूरा ट्रैक करवाते हैं। ट्रैक तो चलिए बेहद खूबसूरत है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो कुछ लोग इसको बाय रोड करना चाहते हैं, कुछ लोग इसको करना चाहते हैं वाया फ्लाइट्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी। तो दोस्तों इस ट्रैक की शुरुआत होती है काठमांडू से, और काठमांडू से हमने सुबह लगभग 5 बजे के आसपास अपनी जीप पकड़ ली थी सल्लेरी के लिए, और इसका कॉस्ट था 1,562 रुपीज इंडियन करेंसी में। और इस सफर के दौरान हमने अपना खाना पीना भी किया, ब्रेकफास्ट में आप पर पर्सन मान लीजिए 200 रुपीज लगेंगे, लंच के लिए भी आप ये मान लीजिए कि आपके
₹200 पर पर्सन लगेंगे, क्योंकि इजीली आपको पूरे नेपाल में आप इस रास्ते के दौरान कहीं पे भी रुकेंगे, है ना। तो जो आपके ढाबे हैं उसमें जो आपका मील का कॉस्ट होगा वो लगभग लगभग 300 नेपाली के आसपास रहेगा। अब 300 नेपाली मतलब ये समझ लीजिए कि 150 से 200 रुपए के बीच में आपकी फुल थाली रहेगी, जिसमें आपको पेट भर के खाना मिलेगा और वेजिटेरियन खाना मिलेगा। तो अगर आप चाहेंगे तो ये आपको फुल पावर एनर्जी दे देगा। तो हम सल्लेरी बाजार पहुंच गए थे शाम के लगभग 2 बजे के आसपास, और फिर वहीं से हमने अपनी आगे की जीप बुक करी थम दादा खरीखोला के लिए, और जीप का कॉस्ट था 1562 रुपीस फिर से, ठीक है, और ये इंडियन करेंसी में था। उसके बाद ये जो जीप थी इसने लगभग लगभग हमने 2:30 बजे के आसपास शुरुआत की थी, और हम रात को लगभग 10 बजे के आसपास, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि सबसे पहली बार ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा था, तो इसलिए लगभग लगभग हमें 7 से 8 घंटे लगे, और हमने अपना दिन बचाने के लिए इसी गाड़ी में आगे ट्रैवल किया, और रात के लगभग 10 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे खरीखोला। और खरीखोला में ही वहां पे एक बेसिक ढाबा जैसा था, तो उसी ढाबे में हमने अपना एक रूम बुक किया, और रूम बुक करने के जो चार्जेस थे तो वो पर पर्सन थे लगभग 250 रुपये नेपाली। तो 250 रुपये नेपाली की अगर बात करें तो ये लगभग लगभग इंडियन करेंसी में आपके लिए है 150 रुपये। तो 150 रुपये में आपको वहाँ पे स्टे मिल जाएगा, साथ ही साथ साथ आप अगर चाहें तो वहाँ पे फुल खाने की थाली भी ले सकते हैं, जो कि आपको इंडियन करेंसी में ये मान के चलिए कि 250 रुपये के आसपास पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट डे, और हमने अपना स्टे लिया उसी दिन खरीखोला में। तो हमारा जो सेकेंड डे था वो स्टार्ट हुआ था खरीखोला से ही, और हम पहिया पहुंच के हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट के चार्जेस पर पर्सन ये मान लीजिए कि 200 रुपये के आसपास आए। उसके बाद हमने अपना लंच किया सुरके में, और सुरके में खाने के चार्जेस वही पर पर्सन 200 से 250 पर पर्सन आए। और उसके बाद हमने अपना डिनर जो था वो हमने किया थोक डाटा में। अब थोक डाटा जो है ये फाटिंग से थोड़ा सा पीछे है, और यहाँ पे हमारा फायदा ये रहा कि यहाँ पे आपके जो रहने के चार्जेस थे वो थे सिर्फ 200 रुपीज पर रूम, मतलब एक रूम के कितने रुपए, 200 रुपए, और साथ ही साथ साथ उस रूम में 2 लोग रह सकते थे। तो ये आप ये मान के चलिए कि पर पर्सन आपका 100 रुपीज नेपाली चार्ज था। अब 100 रुपीज नेपाली मतलब अगर आप इसको इंडियन करेंसी में चेंज करोगे तो लगभग लगभग ये 60 से 70 रुपीज के आसपास आता है। तो 60-70 रुपए में तो पर पर्सन का स्टे ही हो गया, और इसके साथ साथ वहां पे खाने के जो चार्जेस थे वो 350 रुपए रात में हमको डिनर पड़ा। तो ये काफी रीजनेबल दिन था हमारे लिए, और बस यहीं पे हमारा सेकेंड डे जो था वो फिनिश हुआ। तो जो हमारा थर्ड डे था वो स्टार्ट हुआ था फाकडिंग से, और फाकडिंग में हमने अपना सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट चार्जेस वही 150-200 रुपए के आसपास पर पर्सन इंडियन रुपीज में। और उसके बाद हमने टॉक टॉक जाके सबसे पहले अपना कार्ड बनवाया था, ट्रैकर कार्ड, जो कि 2000 रुपए नेपाली में हमें पड़ा था। और उसके थोड़ी देर के बाद हम पहुंच गए थे मोन्जो, और वहां पे हमने सागर माता नेशनल पार्क की अपनी टिकट ली थी जो 1500 रुपए की पड़ी। तो अगर देखा जाए तो लगभग लगभग ये 2100-2200 रुपए इंडियन करेंसी में टोटल चार्ज है टॉक टॉक और मोन्जो का। और उसके बाद हमने अपना लंच किया जिसके चार्जेस हमको इंडियन करेंसी में लगभग लगभग पड़े 320 रुपए के आसपास। और हमने ये लंच काफी अच्छी जगह में किया था, हेल्दी खाना था, और दाल बाती ये दाल थी, चावल थे, सब्जी थी, तो काफी हेल्दी नाश्ता था। और उसके बाद हम पहुंच गए थे नामचे, और नामचे में हमने अपना स्टे लिया था खुम्बू लॉज में, जहाँ पे हमें पर पर्सन चार्जेस रहने के पड़े लगभग 300 इंडियन रुपीज में, और वहीं पे हमने अपना डिनर किया जिसके चार्जेस हमें लगभग लगभग 400 रुपीज के आसपास पड़े पर पर्सन, लेकिन हमने थाली जो थी वो काफी अच्छी वाली मंगवाई थी वहां पे। तो हमारा नेक्स्ट डे का जो सफर था वो स्टार्ट हुआ था नामचे से, और हमने सबसे पहले नाश्ता किया था कुमजुंग में। और ये जो थाली आप आलू की थाली देख रहे हैं ये लगभग 200 से 250 के आसपास थी। तो हम 3 लोग का ग्रुप था, तो हमने 2-3 चीज़ें खाने के लिए मंगवा रखी थी, और एक बेसिक सा नाश्ता करके पर पर्सन आप यही मानिए कि 200 से 200 रुपए के आसपास हमारे लगे। और नाश्ता करके उसके बाद हम आगे अपने सफ़र के लिए चल पड़े थे। और उसके बाद हम फोर्से थांगा में हमने अपना लंच किया था, और फोर्से थांगा में पर पर्सन चार्जेस हमने लाइट ही लंच किया था। तो वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर पर्सन चार्ज हमारा लगभग 150 रुपये के आसपास पड़ा था, पर आप इसको ऑन एन एवरेज यही मान सकते हैं कि 300 रुपीज़ पर पर्सन अगर आप लंच पेट भर के करते हो तो आपका 300 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे चार्ज पड़ने वाला है।
उसके बाद हम फोर्ट से पहुंच गए थे। फोर्ट से में हमारा जो स्टे चार्ज था वो था 200 रुपीज नेपाली, और 200 रुपीज नेपाली मतलब यही मान के चलिए कि आप 120-130 रुपए के आसपास पर पर्सन का किराया था रहने का। और साथ ही साथ वहाँ पे जो डिनर था हमारा उसके लिए हमको पे करने पड़े, लगभग आप यही मान के चलिए रात के डिनर के लिए हमको पे करने पड़े 300 रुपीज़ के आसपास। तो ये काफ़ी एक कंफर्टेबल दिन था और चार्जेस भी उतने ज़्यादा नहीं थे। पानी जो था वो हम अपने साथ बॉटल भर के चल रहे थे, और हम रास्ते में जहाँ पे भी पानी आया वहाँ पे हमने पानी भर लिया अपनी बॉटल में, और बस इसीलिए हमको पानी खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो हमारा अगला दिन था वो हमने फोर्सी से सुबह 6 बजे स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था पैंगबोशे में। और पैंगबोशे में ब्रेकफास्ट के चार्जेस पर पर्सन, अगर आप दलिया लेते हैं वहाँ पे तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आपको दलिया मिल जाएगा, लगभग 200 से 250 रुपए की वो प्लेट रहेगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे रेट बढ़ते जाएंगे। उसके बाद हमने जो अपना लंच था वो भी थोड़ी दूर फेरीचे में जाके किया, और उसके चार्जेस लगभग 250 रुपीज़ के आसपास थे। हमने लाइट लंच किया, और उसके बाद फाइनली हमारा जो डेस्टिनेशन था वो था थुकला, वहाँ पे हमने डिनर किया, और ये अभी तक के सबसे कॉस्टलीस्ट डिनर में से एक था क्योंकि हमारा 450 रुपीज़ डिनर का हमें थुकला में पड़ा था, तो काफ़ी एक्सपेंसिव था यहाँ पे डिनर हमारा। और स्टे की बात करें तो स्टे वही हमारा 300 रुपीज़ पर पर्सन में हमें जो रूम था वो मिल चुका था। तो रूम चार्जेस लगभग नेपाली में अगर लेंगे तो लगभग 1500 रुपए के आसपास थे, तो आप यही मानिए 300-310 रुपए पर पर्सन जो थे वो हमारे लगे थे। तो हमने अपने नेक्स्ट डे की शुरुआत की थी थुकला से, और हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था लोबोशे में, जो कि लगभग 350 रुपीज़ के आसपास हमने वहाँ पे नॉर्मल ब्रेकफास्ट किया था। पानी की बॉटल्स हमने लोबोशे से ही भरनी थी। उसके बाद हम चले थे आगे गोरखशेप, और गोरखशेप में हमने अपना फिर नॉर्मल लंच किया था, और लंच के चार्जेस थे, मैंने वहाँ पे दलिया खाया था क्योंकि चीज़ें जो थी वो गले से नीचे नहीं उतर रही थी, तो खाने का जो चार्ज पड़ा था वो मुझे 300 रुपीज़ के आसपास दलिये की एक बोल मिली थी। और उसके बाद हमने वहाँ से EBC कंप्लीट किया, EBC करके आए, और उसके बाद हमने गोरखशेप में चाय वगैरह पी, और उसके बाद वापस हम लोबोशे से थुकला आ गए, और थुकला में फाइनली हमने डिनर किया, और डिनर के चार्जेस रहे फिर से 400 रुपीज़ के आसपास, और साथ ही वही हमारे स्टेइंग चार्जेस पर पर्सन 300 रुपीज़। तो मैंने थुकला से शुरू करके अपना जो पूरा का पूरा बेस कैंप का ट्रैक था वो थुकला में ही ख़त्म किया। नेक्स्ट डे हमने अपना स्टार्ट किया ट्रैक थुकला से ही, और ब्रेकफास्ट में फिर से मैंने दलिया खाया और कॉफ़ी पी, और लगभग यही आपका 250 रुपीज़ से 300 रुपीज़ के आसपास ये ब्रेकफास्ट पड़ा। उसके बाद हमने अपना जो लंच था वो हमने पैंगबोशे में किया, लाइट लंच किया, और वही 200 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि हमने बहुत लाइट लंच किया, पर पर्सन हमारे चार्जेस रहे। उसके बाद हमने अपना जो डिनर था वो हमने किया नामचे में आकर, और हम वही खुम्बू लॉज में रुके, रहने के चार्जेस 300 रुपीज़ और खाने के चार्जेस 350-400 रुपीज़ के आसपास पर पर्सन हमारा ये रहा। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे अपना जो था वो सफ़र शुरू किया नामचे से, और नामचे में हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, लंच हमने किया, फिर छापलुंग में आके, और फिर डिनर फाइनली हमने दुकला में किया। पूरे दिन का कॉस्ट आप मान के चलिए यही कोई 1200-1300 रुपये इंडियन के आसपास हमारा लगा, और हम फाइनली जो थे हम लुकला पहुंच गए थे। लुकला पहुंचने पर हमने अपनी फ्लाइट पकड़ी, और फ्लाइट हमारी जो कॉस्ट थी वो थी 7500 रुपीज़, जो कि हमारी थी लुकला से रामेछाप। रामेछाप पहुंचने के बाद हमने कैब करी, और कैब चार्जेस हमारे लगभग 1000 इंडियन रुपीज़ थे, और रास्ते में हमने रामेछाप पहुँच के भी खाना नहीं खाया, तो हमने सुबह लुकला में ही थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह हल्का सा कर लिया था। और फाइनली फिर जब हम काठमांडू पहुंच गए, और हम जॉस्टन काठमांडू में रुके, और वहां पे रुकने के चार्जेस थे आपका लगभग 500 इंडियन रुपीज़ पर पर्सन। हम जॉस्टन काठमांडू में रुके, और वहीं पे हमने अपना डिनर किया, और डिनर तो हमने काफ़ी अच्छे से किया उस दिन, तो चार्जेस तो हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, पर हमने काफ़ी कुछ खाया था लास्ट वाले दिन। तो कुल मिला के अगर देखें तो यही हमारा पूरा का पूरा खर्चा था जो हमने एवरेस्ट बेस कैंप के दौरान, ये जनरल खर्चे थे जो हमने किए, पर इसके अलावा काफ़ी एक्स्ट्रा खर्चे भी किए थे, पर ये खर्चे मैंने इस तरीके से आपको बताए हैं कि आप अगर जाएंगे तो आपके भी यही बेसिक खर्चे होंगे। इसके ऊपर आप कितना खर्चा करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये एक स्पेशल डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप अपना एवरेस्ट का सफ़र जो है बेस कैंप का काफ़ी अच्छे से कर सकें। तो ये परफेक्ट आईटिनररी है, और ये 12 दिन की है, तो 12 दिन आप अपना पूरा का पूरा ट्रैक प्लान कर सकते हैं।
जिसमें सबसे पहले दिन आपको जाना पड़ेगा काठमांडू से खरीखोला, जो कि आपके चार्जेस होंगे लगभग 4125 इंडियन नेशनल रुपीज़ में, क्योंकि दो बार कैब आपको बदलनी पड़ेगी। उसके बाद सेकेंड डे जो है आप खरीखोला से फागडिंग जा सकते हैं, जिसमें आपके 1200 रुपये लगेंगे। तीसरे दिन आप जा सकते हैं फागडिंग से नामचे, जिसमें दिन आपके 3300 रुपये लगेंगे, क्योंकि ये इंक्लूड करता है आपके ट्रैकिंग परमिट्स, ठीक है। फोर्थ डे जो होगा ये आपके लिए एक्लिमेटाइजेशन डे होगा, जिस दिन आपके चार्जेस होंगे रहने खाने पीने के 1300 रुपये। फिफ्थ डे आप जाएंगे नामचे से फोर्ट से, अगेन आपके चार्जेस होंगे 1300 रुपये। सिक्स डे आप जाएंगे फोर्ट से या तो डेंगबोशे या फिर फेरीशे, जिस दिन आपके चार्जेस होंगे 1500 रुपये। तो देखिए कि चार्जेस धीरे धीरे हमारे बढ़ रहे हैं। तो सेवन डे जो होगा आप डेंगबोशे या फिर फेरीशे से जाएंगे लोबोशे की तरफ, लगभग 4 से 5 घंटे का ये सफर रहेगा। चार्जेस होंगे 2350, क्योंकि अब यहाँ पे ऊपर जाते समय खाना पीना रहना जो है थोड़ा सा महंगा होता जाएगा। उसके बाद आप अगले दिन लोबोशे से जाएंगे गोरखशेप, ईबीसी करेंगे और वापस गोरखशेप आके रुक जाएंगे। तो इस दिन आपका खर्चा 2700 रुपये का होगा, और ये सबसे महंगा दिन होगा, क्योंकि गोरखशेप जो है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली जगह है सारे के सारे एवरेस्ट रीजन में। उसके बाद आप अगले दिन गोरखशेप से काला पत्थर करेंगे, वापस आएंगे और या तो आप फेरीशे आ जाएंगे या फिर आप पैंगोशे कुछ निकल जाएंगे, और इस दिन आपका खर्चा होगा 1550 रुपये। तो अगेन फिर कम होना शुरू हो चुका है। फिर टेंथ डे जो होगा आप पैंगोशे से नामचे जाएंगे, आपका खर्चा होगा 1300 रुपये। फिर नामचे से लुकला 1300 रुपये, और ये फाइनल लुकला से काठमांडू है, जिसमें आपको फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी और वो फ्लाइट चार्जेस आपके होंगे 7500 रुपीज़, और इस दिन आपका खर्चा होगा 9500 रुपीज़। तो 31425 ये आपका फुल एक्सपेंस बना है आपके ये एवरेस्ट बेस कैंप का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बार फ्लाइट और एक बार आपने कैब ली है तो आपने दोनों दुनिया देखी है, तो उसके हिसाब से 30,000 अप्रॉक्स में आप ये पूरा का पूरा ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं। अब साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, एक प्रूफ देना चाहूँगा कि हाँ आपकी ये जो फ्लाइट है ये 7500 की ही पड़ने वाली है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लुकला चूज़ किया है, यहाँ पे मैंने रामेछाप एयरपोर्ट चूज़ किया है, और मैंने डेट चुनी है स्पेसिफिकली 31st of March 2023। नेशनैलिटी देखिए मैंने इंडियन डाल दी है, ठीक है। और अब फाइंडिंग फ्लाइट्स के बाद आप ये देखिए एक बार रेट्स देखिए, तो ये लगभग 1 अप्रैल के आसपास के रेट्स हैं आपके। और देखिए नेपाली रुपीस 11,488, इसका मतलब ये वही आपको कितने की पड़ेगी, ये आपको फ्लाइट पड़ेगी 7,500 रुपीस की। तो विद प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जा सकते हैं फ्लाइट में, आज से एक मंथ वाले की 7,500 रुपीस है। तो लोगों के द्वारा बेवकूफ़ बनना बंद करिए, आप अपने आप फ्लाइट बुकिंग्स कर सकते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला नेपाल में है तो आप उसके थ्रू भी ये सब करवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि विद प्रूफ मैंने डाला कि किस तरीके से आपकी जो फ्लाइट है वो एक महीने बाद की भी दिखा रहा है, वो 7,500 रुपये दिखा रहा है, 11,000 कुछ नेपाली, मतलब लगभग 7-7,500 रुपये। तो आपको दिखा रहा है कि आपको ये फ्लाइट उतने ही दाम में मिलेगी जितना मैंने एक्सेल शीट में मेंशन किया है। आप मुझे एक बात बताइए, आप देश में खाने जाते हैं किसी नॉर्मल सी एवरेज सी जगह पर, जब आप पेट भर के खाते हैं तो क्या आपको थाली 150 से 200 रुपये में नहीं मिलती? आपको मिलती है दोस्तों, और ये थाली जो है ये आपका पेट भी भरती है। और यही थाली मान लीजिए कि अगर आप 3 टाइम खा रहे हैं कुछ वेरिएशन के साथ, तो क्यों नहीं आपका पूरा पेट भी भरेगा, और रहना तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जितनी भी ट्रैकिंग एजेंसीज हैं ये सभी मिलकर आपको भ्रमित कर रही हैं, ठीक है। आप ये ट्रैक अपने बलबूते पे करिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जितनी भी पहाड़ी घूम केतु की प्लेलिस्ट है उसको देखिए एक बार, और महसूस करिए कि किस तरीके से शुरू से एंड तक आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या करना है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखिए, ठीक है। तो एवरेस्ट बेस कैंप की जो प्लेलिस्ट है वो तो मैं टैग कर ही दूंगा यहाँ पे, आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देखिए और ये समझिए कि ये जो ट्रैक है कितना ईजिली 30,000 रुपीज़ के अंडर किया जा सकता है, अगर ठीक है ना, आप एक कैब एक फ्लाइट ले रहे हैं। अगर आप सिर्फ कैब्स ले रहे हैं तो 30,000 के भी अंडर आएगा, और अगर आप फ्लाइट्स ले रहे हैं तो लगभग 30,000 से 35,000 रुपये के बीच में ये आपका खर्चा बैठेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप ट्रैक करके आएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि किस तरीके से ये ट्रैक 30,000 के अंडर किया जा सकता है, तभी आपके आसपास वाले सोचेंगे कि हाँ इस ट्रैक पे जाया जा सकता है। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम लगाना चाहेंगे, तो आप सभी को मेरा सलाम, और जो घूमे वही पहाड़ी। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।